आज मेरे 12th क्लास के रिजल्ट्स थे और आई हैव स्कोर्ड 490 मार्क्स इन मेडिकल स्ट्रीम। शाबाश मेरे। मेरे स्कूल का नाम काय हायर सेकेंडरी स्कूल, बेसिकली वो लसजन में है। मैं जाती थी ट्यूशन काय, वो हमारे ट्यूशन के साथ एफिलेटेड है वो स्कूल, तो मैं उसी स्कूल में पढ़ती थी। ऑब्वियसली होनी चाहिए क्योंकि अच्छे मार्क्स है मेरे हिसाब से, जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे ऑलमोस्ट टचिंग है। तो जब इंसान की एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट फुलफिल होती है तो खुशी होती है, तो अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर सिलेबस की बात करेंगे तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट, मैं अपनी बात करूँगी, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट था उस टाइम। जो कि मुझे टीचर साइड से जो हेल्प चाहिए थी मुझे वो मिली हुई थी। उसके बाद जो मुझे घर पे गैप मिला इतने महीने का पढ़ने का, उसमें मैंने खुद एग्जर्ट किया जितना मैं कर सकती थी अपने हिसाब से, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी उस हिसाब से मैंने एग्जर्ट किया। एंड एक्चुअली मैं इसको इस तरीके से बोलना चाहूँगी कि ये हर किसी इंसान की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है जिसको आप अपनाते हैं और आप रिजल्ट्स आपको वहाँ से मिलते हैं। मेरी भी अपनी एक स्ट्रेटजी थी, पहले से ही मेरी रही है, फ्रॉम द क्लास 11th ही मेरी वो स्ट्रेटजी रही है। मैंने उसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया और ये मुझे मिला। हर किसी इंसान की डिफरेंट है। अगर और किसी को भी कुछ इससे भी अच्छा अचीव करना है या ये चीज़ अचीव करनी है, तो मेरी मैसेज यही है कि अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, बस चीज़ों को स्ट्रेटजाइज करो और मेहनत करते रहो। और सबसे पहली, मतलब इन सब चीज़ों को छोड़ के, पहली बात यह है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मेरे रब है उनने हमेशा मेरा साथ दिया है। उनने मुझे वो चीज़ें दी है शायद जिनके मैं लायक भी नहीं थी, मैं वो बोल सकती हूँ, वो चीज़ें मुझे मिली है। अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी मर्सीफुल टू मी फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये भी कहना चाहूँगी मैं कि जो अपने रब के बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाओ, जो अपने रब है, अपनी परेशानियाँ जो है वो अपने रब से शेयर करो, क्योंकि एट द एंड वही आपकी हेल्प करने वाले, और कोई भी आपके आपके एंड पे आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बिकॉज कभी कभी इंसान को होती है वो फीलिंग ऑफ लोनेस, लेकिन आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा आप पे आप में एक उनका एक भरोसा होता है, एक ऐसा भरोसा होता है कि अनशेकेबल जो होता है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो बाकी आपके सोसाइटी में डिफरेंट लोग हैं उनका जो आप पे भरोसा होता है वो टेम्पररी होता है, कभी वो हो सकता है, कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी लड़खड़ा जाता है, बट पेरेंट्स जो होते हैं उनका भरोसा आप पे होता है। कभी कभी आपको खुद लगता है आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपको ऐसा एक यकीन देते हैं, आपको आप में एक उनको एक विश्वास होता है कि नहीं आप कर सकते हो। एंड सेम वॉज द केस विद माई पेरेंट्स, यही था, उनको लगता था कि मैं कर सकती हूँ हर कोई चीज़। इनफैक्ट इवन अभी मेरी लाइफ में जितने गोल्स आने उनको लगता है कि मैं वो भी कर सकती हूँ। इंशाल्लाह आई फील लाइक तो हो सकता है। सबसे पहले मेरे रब को, क्योंकि उनके बगैर, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मेरी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो इसमें रब की मर्ज़ी होनी चाहिए। उसके बाद मेरे पेरेंट्स और उसके बाद मेरे टीचर्स, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना भी ये नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको कोई चीज़ प्रिपेयर्ड होनी चाहिए फिर आप उसमें अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। जब आपको जब आपने पढ़ा हुआ तब ये पॉसिबल है, अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। टीचर्स ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की मेरी, हर किसी टीचर ने, चाहे फ्रॉम ए बिगिनिंग जो भी मैंने पढ़ा है नर्सरी से चलो छोड़ के, हर किसी टीचर को आज तक उनने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। कहा जाता है कि कश्मीर के जो ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कहा जाता है कि हम डिसेंडेंट्स हैं आर्यंस के, जो कि आर्यंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त माने जाते थे अपने ब्रेन्स के हिसाब से। हमारे ब्रेन्स बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, वो है हमारा एक फैक्टर कि हाँ हालात ठीक नहीं रहते, जिस वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं सही से, लेकिन अगर बाकी मुकाबले में देखें हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रेन्स है, फर्टाइल ब्रेन्स है कश्मीर में माने जाते हैं। मेरा अपना ये है कि मैं फ्यूचर में हायर स्टडीज़ में जाना चाहती हूँ, मे बी मैं रिसर्च में जाना चाहूँगी, बट उससे पहले कहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का थोड़ा बहुत टेस्ट होना चाहिए, तो शायद मैं कोई आने वाले साल में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा तो उसके लिए अप्लाई करूँगी, लेकिन मेरा रिसर्च मेरा मेन ये है रिसर्च में ही जाना, मतलब यही हायर स्टडीज़। मेरी मैसेज उनके लिए यही रहेगी कि अगर आपको किसी चीज़ में अच्छा करना है, ये मैटर नहीं करना है कि फर्स्ट ही पोजिशन लानी है, अगर आपको अच्छा करना है मतलब अपने लेवल पर लगना चाहिए अच्छा करना है, सबसे पहली चीज़ है कि चीज़ों को स्ट्रेटजाइज करो। जो आपको एग्ज़ाम पढ़ना है करना है उसके बारे में उसको थोड़ा बहुत पढ़ो, देखो एग्ज़ाम कैसे होता है, उसको स्ट्रेटजाइज करो। दूसरी बात ये है कि हार्डवर्क, बस मेहनत करो, वो मत सोचो शॉर्टकट ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं होगा, आप हार्डवर्क करो अच्छे से। और दूसरी बात ये है कि बस मेहनत करते जाओ, डजेंट मैटर रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, वो लास्ट में अल्लाह ताला, अगर आपने मेहनत की तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह ताला उस मेहनत को ज़ाया होने देंगे। तो मेरे हिसाब से यही कहते हैं कि जो एक इंसान होता है अगर वो मजदूरी करता है, अगर उसको एक पसीने का कतरा भी जो होता है वो तक ज़ाया नहीं होता, तो हमारी मेहनत कैसे ज़ाया हो सकती।